सो फ्रेंड्स, ये तो मैंने कर लिया है कंप्लीट अपना घर तो अपना। सो इसी घर में मुझे रहना तो नहीं है। आई डोंट नो कि स्कूल वाले मुझे ये प्रोजेक्ट वापस देंगे भी या नहीं, बट मैं पूछूंगी मैम से ट्यूसडे को। सो गाइस, इन सब बातों को साइड में रखते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2, आई गेस कि हमें ग्रीन पेपर एंड वाइट पेपर, मतलब ग्रीन और नहीं अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, वाइट पेपर एंड ग्रीन पेपर को यूज करके हमें कुछ बनाना है। कृपया पिक्चर देख लो मेरे हाथों में, मेरे पास तीन ग्रीन पेपर है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसे स्पेस है, मैं जिस स्पेस में लगाऊं कैसे। तो मैंने सोचा है कि व्हाइट कलर का जो पेपर है हम लोग उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? एंड देन वी विल पेंट द पेंट ही कर सकती हूँ मैं अच्छे से। एंड मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन पापा ने बोला है जो है अभी उनको यूज़ कर लेती हूँ, पता चले कि इन चीज़ों में मेरा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। एंड मैं अपने सामान बता देती हूँ आपको। मेरे पास ये नलची है, मतलब ये है नलची वलची। एंड मेरे पास पापा है ना बैटरी भी लाए, तो कोई बात, मैंने इसमें अटैच कर दी है ना, इसको मैं बाद में निकाल लूँगी कभी ना कभी, तो निकलना ही है इसको भी। हाँ, तो पापा बैटरी लाए थे, एक और निकल गई। एक तो ये लाए थे पापा बैटरी, उन्होंने बोला कि तो इसके बिल्कुल छेड़े मत करना वरना तेरे को मिलेगा। वैसे पापा मुझे कभी देते नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पेशली मुझे बोला है। तो और मेरे पास दो पिंक एंड रेड पेपर, तो मैं उनको भी कट कर लेती हूँ। लोगों को चिपका रहे हैं। एंड देन ये तो अभी सूखेगा तब तक मैं यहाँ पे ले रही हूँ लाइट ग्रीन कलर, वो मेरी बहन का। मेरे पास ब्रशेस मिल गए। ओह वाह, मुझे पूरा एक पैलेट मिल गया कलर्स का, लेकिन बहुत गंदा हो रहा है। मेरी बहन ने पूरा पोत डाला है इसको ग्रे कलर से। मैं इसमें टाइम वेस्ट करने वाली। एंड मेरे पास एक और बड़ा वाला ब्रश है तो जिससे मैं कर सकती हूँ। तो या
एकदम पतली सी गहरा बना लूंगी यहाँ पे, है ना। ये जो है ना इसका ही कलर थोड़ा बहुत ऐसे वैसे होने लग गया है, तो अभी मैं एक और बार इस पर एक और लेयर चढ़ाऊंगी ब्राउन की। एंड अभी तक तो ये इतना कंप्लीट हो चुका है हमारा कि मैंने इस पर कवर कर दिया था, आपने पिछले शॉट्स में देखा ही होगा एंड पार्ट वन में भी देख लिया होगा। एंड पार्ट वन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, उसके लिए एम रियली सॉरी, क्योंकि उसमें मुझे मैं आपको डिटेल से बता रही थी सारी चीज़ें। तो ये देखो ये अभी तक इतना बना है। एंड यहाँ पे एक प्लास्टिक का डब्बा होगा, यहाँ ये हाउस है पूरा, ये ग्रीनरी, यहाँ पे मतलब वो फिल्ट्रेशन टैप होगा, एंड यहाँ पे वो कुआ, ये कुआ होगा, एंड यहाँ पे कार्स खड़ी कर दूँगी मैं, ठीक है। बाय। जब मैं इसको कुएं को और ये जब सूख जाएगा एंड इसको मैं रेडी कर लूँगी तब मिलूँगी। बाय।